हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए जी, कम्युनिकेशन के यूनिट में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासरूम कम्युनिकेशन। अगर मैं क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करूं तो भैया क्या है क्लासरूम कम्युनिकेशन, है ना? जहां आप पढ़ाई करते हैं अपना क्लास, उसी क्लासरूम की बात करी गई जी। और कम्युनिकेशन मतलब सब जब सर जब हम टीचर्स और स्टूडेंट के बीच के बातचीत की बात करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि जब एक टीचर स्टूडेंट्स को कोई कॉन्सेप्ट बता रहा होता है और स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ जाता है, हम उसे कम्युनिकेशन कहेंगे, क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं जी। तो क्लास की बातचीत को ही क्लासरूम कम्युनिकेशन कहा गया है। अब बातचीत मतलब ये नहीं कि तुम नलायक लोग अगल बगल में बैठ जाओगे और बातचीत कर रहे हो, वो भी क्लासरूम कम्युनिकेशन ही है, बट यहां रिप्रेजेंट किया गया है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच की बातचीत को, ठीक है, या फिर स्टूडेंट स्टूडेंट की बीच की बातचीत को। तो आओ देखते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे किया जा सकता है, कैसे एक टीचर क्लासरूम को इफेक्टिव तरीके से चला सकता है। तो देखो, अगर मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करूं तो सर कम्युनिकेशन मुझे पता चल गया कि चीजों को शेयर करेंगे और सामने वाला उस चीज को समझ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कहते हैं जब एक कम्युनिकेटर यानी कि जो बोलने वाला है वो जब कम्युनिकेट कर रहा हो सामने वाले की बात को लिसनर जो है वो सुन रहा हो और उसको समझकर उसका रिप्लाई भी यानी फीडबैक भी कम्युनिकेटर को दे रहा हो तो हम कहते हैं कि उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। फिर एग्जांपल, अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें तो जब एक टीचर कोई सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ा रहा हो और बच्चा उस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहा हो और समझने के बाद टीचर को रिस्पॉन्स में फीडबैक में वो उसकी बातें बता रहा हो तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। तो आइए उसी क्लासरूम कम्युनिकेशन की हमें क्लास में चर्चा करनी है कि कैसे टीचर किन किन बातों का ध्यान रखे क्लासरूम को चलाता है या क्लासरूम को इफेक्टिव बनाता है। आइए शुरू करते, देखिएगा। तो सर हम लोग क्लासरूम कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले बेसिक बात बता दीजिए कि नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां नोट्स में डाल देता हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, है ना। चलिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यूजीसी नेट 2024 की या जेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी लेक्चर्स आपका अवेलेबल है यहाँ पे, कहां सर, प्ले लिस्ट में ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप इसको देख लीजिएगा और पढ़ाई शुरू करिएगा। चलिए, अब हम चलते हैं कहां, क्लासरूम कम्युनिकेशन पे। किस पे चलते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन पे। तो क्या कहता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब है इंटरेक्शन किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में या फिर स्टूडेंट के बीच में, तो जो क्लासरूम में कम्युनिकेट हुआ जी। तो कह रहा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया जब आप नॉलेज को शेयर करते हो या एक्सपीरियंस को शेयर करते हो तो वो किसके थ्रू करें, इंटरेक्शन के थ्रू। इंटरेक्शन का क्या मतलब हुआ कि क्या आप लेक्चर दे दिए वो इंटरेक्शन हो गया क्या, नहीं। जब आप बोल रहे हो और सामने वाले से रिस्पॉन्स आ रहा है उसको इंटरेक्शन कहेंगे। मैं बात कर रहा हूं आप सामने क्लासरूम कम्युनिकेशन में, अगर मैं बात कर रहा हूं और बोले जा रहा हूं सामने वाले को नींद आ रहा है, दैट इज नॉट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स आप टीचर पढ़ा रहा है, ह्यूमरस होकर पढ़ा रहा है, मजे से पढ़ा रहा है और सामने वाला बच्चा भी रिस्पॉन्स कर रहा है, यस सर हो गया, दैट इज क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। कह रहा है क्लासरूम कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज अ टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होगा, टू वे होगा, वन वे नहीं। वन वे कब होता है, जब इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है टीचर, जब कुछ रीड कर रहा होता है टीचर, जब कुछ बता रहा होता है तो उस वक्त में जो चीजें होती है उसको बोला जाता है क्या सर, क्लास आपका वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन जब ये टू वे फ्लो की बात हो जाए तो टीचर पढ़ाएगा भी, उससे पूछेगा भी और बच्चे से भी बुलवाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। और यही कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। कह रहा है देयर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन सच एज लेक्चरिंग, लेक्चर देना, इन देन इट विल नॉट बी इफेक्टिव, वो इफेक्टिव नहीं होगा। एंड स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू शेयर देयर क्वेरीज और क्लैरिफाई दिया डाउट्स। मतलब भैया टीचर का काम पढ़ाना है तो स्टूडेंट का डाउट भी तो क्लियर करना है,
तो अगर टीचर सिर्फ लेक्चर दिए जा रहा है और स्टूडेंट की चीजों को समझ नहीं रहा है, उनकी क्वेरी सॉल्व नहीं कर रहा है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो इसलिए क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या करना है कि टीचर्स को तो बातें बतानी है ह्यूमरस वे में अच्छे तरीके से, लेकिन उनकी बातों को भी सुनना, क्योंकि स्टूडेंट्स की बातों की क्वेरीज को भी ध्यान में रखना है। बात क्लियर है? जी सर। क्या कह रहा है? देयर इज स्कोप फॉर इमीडिएट फीडबैक इन दी क्लासरूम एज ए टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो बोला अगर टीचर और स्टूडेंट सामने आमने सामने बैठे हैं तो भैया कोई दिक्कत है तो तुरंत फीडबैक देना भी जरूरी है कि आप तुरंत पूछ लो स्टूडेंट से, क्या ठीक ठाक समझ में आया? यस सर। नहीं आया? नहीं सर। ठीक है। और ये फीडबैक क्या करेगा, आपको फ्यूचर एक्टिविटीज को प्लान करने में मदद करेगा और आपको इंप्रूव करने में मदद रहेगा। अगर टीचर्स के एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत है तो अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो टीचर भी नए नए आइडियाज नए नए तरीके से सोच कर आएगा और फिर उसको पढ़ाएगा और बच्चे को भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। कह रहा है टीचर हैज टू प्ले डिफरेंट रोल ऑफ बींग अ फैसिलिटेटर मेंटोर मोटिवेटर गाइड। तो ये सारा चीज देखो, ये बात तो सही है कि टीचर को अलग अलग रोल डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ता है। जब वो बच्चे को बहुत जरूरी चीज होती है तो उसका दोस्त बन जाता है, जब उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो वो गाइड बन जाता है, जब मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है तो वो मोटिवेटर बन जाता है। तो ये सारी बातें एक टीचर में होनी चाहिए। सो कह रहा है क्या कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक टीचर को एक अच्छा स्पीकर और एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। वह कहते हैं ना, अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। ठीक है। तो जब आप अच्छा सुन नहीं सकते तो अच्छा बोल भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आज टीचर को अच्छा सुनना होना चाहिए। तो अब ये बात तो हो गई इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, भैया ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसे थे कैसे इफेक्टिवली मैनेज करेंगे क्लासरूम में, क्या तरीका है? तो उसके लिए क्या कहा गया, हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखो टोटल इतने सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके उस पॉइंट्स की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि टीचर कैसे क्लास को मैनेज करता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, फिर हम लोग आगे और कुछ प्रिंसिपल्स पर आएंगे, कुछ सिद्धांत पे आएंगे, जो जिस सिद्धांत के तहत आप क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव बना सकते हो। सवाल पूछता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, जी सर आइए, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि उसको क्लियर होना चाहिए किस चीज में, कॉन्सेप्ट्स में, पढ़ाना क्या है इसमें, हर चीज में टीचर को बी क्लियर कि आप बोल क्या रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप सही पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, सारा चीज में क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह की कॉन्सेप्ट की दिक्कत आपके इमेज को इंपैक्ट कर सकती है। ठीक है, दूसरा कीप इट प्रिसाइज, शॉर्ट में रखो, है ना, शॉर्ट एंड सिंपल, बोलते ना किस फॉर्मूला यूज करो आप, वो किस मतलब वो वाला मत समझने लायक रहो, है किस मतलब, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जितना शॉर्ट हो सके, जितना सटीक हो सके, जितना सही तरीके से हो सके, आप उस तरीके से पढ़ाइए। ठीक है, ये ध्यान रखिए, टेक आर्टफुल पॉजेज। आप देखो यार, कंटिन्यूअसली पढ़ाने से ना बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं आधा घंटा 45-40 मिनट का लेक्चर रखता हूँ, फिर क्या, फिर मजे से हंसी मजाक करते हैं। तो क्या है, आर्टफुल पॉजेज लीजिए, ये पता भी नहीं चले बच्चे को कि भैया पॉज दिया जा रहा है, उनको पॉज दीजिए, कभी कभी सवाल पूछ लो बीच में, कभी कभी हंसी मजाक कर लो बीच में, हंसी मजाक भी ऐसा कि स्टूडेंट को लगे नहीं, अपनी मर्यादा को हटा के नहीं। ठीक है, ये उसके बाद नो योर स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को जान पाएंगे कि आपका स्टूडेंट कितना वीक है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पे काम करना है उसके लिए, कौन सा स्टूडेंट को किस लेवल पे समझ में आता है, तो आप अच्छे तरीके से क्लासरूम को मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज बच्चे आपके साथ जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए देखो, सबसे पहला बेसिक चीज है, हर स्टूडेंट को ना आपको पता ही होना चाहिए उसके नाम से, मतलब इतना तो होना चाहिए कि अगर आपके क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 का नाम आपको जरूर आना चाहिए, इतना उनके साथ कनेक्ट करना जरूरी है। और ये कनेक्ट तब होंगे बच्चे जब आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, शॉर्ट तरीके से पढ़ाएंगे, उनके इमोशंस के साथ जुड़ेंगे, तब आपसे कनेक्ट होंगे। तो ये नो योर स्टूडेंट्स आपको जानना पड़ेगा। बी ह्यूमरस, ह्यूमरस होने का मतलब आप गुस्सेल एकदम तानाशाही करके जबरदस्ती मत पढ़ाइए बच्चे को, उसको ह्यूमरस तरीके से पढ़ाइए, थोड़ा हंसी मजाक करिए, थोड़ा मस्ती मजाक करिए, थोड़ा नाचिए गाइए, मतलब कुछ भी, जैसे भी आप ह्यूमरस पैदा कर सकते हैं बच्चों के बीच में वो करिए। उसके बाद एम्पैथेटिक रहिए, सिंपति मत दिखाइए, एम्पैथेटिक रहिए, आपको बच्चों की फीलिंग को समझना आना होगा। अब बच्चे जो कह रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या रीजंस है, तो दैट शुड बी एम्पैथेटिक कि आप बच्चे को समझिए,
कि बच्चा क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्या रीजन है। देखो यार एक सिंपल सा फंडा है, अच्छा तेज बच्चा तो कहीं भी निकल जाएगा, लेकिन हमारी एक टीचर्स के लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट बात यह होता है, सबसे इफेक्टिव बात यह होता है कि जब एक कमजोर बच्चा, जब एक थोड़ा सा कम जानने वाला बच्चा, थोड़ा सा कम मेहनत वाला बच्चा और वो एग्जाम सफल हो जाता है तो टीचर को ज्यादा प्राउड फील होता है। तो ये होगा जब आप एम्पैथेटिक रहेंगे, ठीक है। प्रमोट इक्विटी, क्लास में इक्विटी का माहौल रखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम जो थोड़ा कमजोर बच्चे हैं उसको क्या कर रहे हैं पूरा नाम लेने चलो तुम बाद में आना, और जो तेज बच्चे हैं उसको समझा दिए जा रहे हैं, नहीं, दोनों को उसके हिसाब से देखिए, सब बच्चे आपके लिए समान होते हैं। तो इसीलिए क्लासरूम को इफेक्ट करने के लिए आपको इक्विटी को मेंटेन करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इक्विटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि बच्चों के हिसाब से उसको जज करते हैं, प्लीज ऐसा नहीं करें, क्योंकि आप भी फ्यूचर में टीचर बनेंगे, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा इसमें डेप्थ होगा। उसके बाद लेट स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन। देखो यार टीचिंग का सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल रूल है कि जब तक बच्चे को समझ में ना जाए एक एक बच्चे को, आप एक अच्छा टीचर नहीं रुकना चाहिए। स्टूडेंट्स को ये हमेशा परमिशन दीजिए कि आपसे वो सवाल पूछे, जेन्युइन सवाल पूछे, फालतू वाले सवाल नहीं, जेन्युइन सवाल पूछे। जो फालतू सवाल मतलब अपने घर के इधर उधर के वो बात की बात है, लेकिन अगर क्लास में है, क्लासरूम में है, तो आपसे वो सवाल पूछ सके, पचासों सवाल, हजारों सवाल, जितने उसके पास सवाल है वो सवाल पूछे। और ये परमिशन आपको देना चाहिए कि स्टूडेंट्स जितना, उससे क्या होगा बच्चे इनोवेटिव तरीके से आगे आएंगे, ठीक है। अब क्या है, इनकरेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना, मतलब आप कम काम करिए, काम करिए मतलब इन द सेंस स्टूडेंट्स को इनरोल करिए, पार्टिसिपेट करवाइए, नई नई एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग दिलाइए, ये काम होगा ताकि आप क्लासरूम के कम्युनिकेशन को मेंटेन कर पाएंगे, क्लासरूम मेंटेन कर पाएंगे, क्लासरूम मैनेज कर पाएंगे। अंडरस्टैंड द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट। अब देखो ये ना, ये टीचर, एक अच्छा टीचर का सबसे बड़ा क्वालिटी होगा कि वो चेहरा देखकर बता देगा कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं ये तो कोई भी कर लेगा। तो आप फेशियल एक्सप्रेशंस को बच्चे को समझिए, पर चला सब बच्चा बहुत मूड में सर ऐसे ऐसे कर रहा है पूरा, और हम पढ़ाए जा रहे हैं नहीं, वहां पे आर्टफुल पॉजेस लीजिए, चेंज कर दीजिए चीजों को वहां। अगर आप कुछ मान लीजिए लिखवा रहे हैं तो आप बोलना शुरू कर दीजिए, अगर आप बोलना बोल रहे हैं तो कुछ लिखवाना शुरू कर दीजिए, अगर दोनों कर रहे हैं तो फिर कुछ मजाक कर दीजिए, ये करिए। तो ये आपको फेशियल एक्सप्रेशन को समझना होगा कि बच्चे क्या नीड में, क्या चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आज क्वेश्चन, अब देखो सिर्फ स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है कि भैया जितना आपको मैं पढ़ाने के टाइम में बोलता हूँ भाई तुमको जितना पूछना है पूछो, लेकिन अगर मैं पूछूं तो मुझे भी जवाब मिलना चाहिए, तभी तो मुझे पढ़ाने में जाएगा जी। तो आप क्या करिए, कभी कभी स्टूडेंट से भी सवाल पूछिए क्लास के में पढ़ाने के दौरान कि ये चीज समझ में आया, जैसे एक कॉन्सेप्ट बता दिया, अब बताओ बच्चों ये वाला समझ में आया, अच्छा चलो ये बताओ तो क्या होता है, ये बताओ क्या होता है, ऐसे वाले सवाल आप करें। उसके बाद मोटिवेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें भाई साहब, जरूरी है। हर स्टूडेंट जो है कुछ ना कुछ फेस करता है, कुछ ना कुछ दिक्कत उसको आती है, मोटिवेट एक, एक, एक टीचर को चाहिए, एक एजुकेटर को चाहिए कि वो उसको मोटिवेट करता रहे। प्लान क्लासरूम एक्टिविटी, ये पहले का काम है कि आप क्लासरूम में क्या करने वाले हैं, इसका प्लानिंग आपको भी कर लेना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज भी दिक्कत आएगा, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी आपको। नहीं जी मान लो अगर आप क्लासरूम एक्टिविटी को प्लान नहीं करते, ठीक, मां आप सोच लेते हो कि भाई आएंगे क्लास में ऐसे तैसे बढ़ा देंगे, बीच में कोई सवाल पूछ दिया आप नहीं बता पाए, कितनी बेइज्जती वाली बात है, नहीं। तो इसीलिए क्लासरूम एक्टिविटी को प्लान करो, कौन कब क्या किस चीज पे करेगा, क्या हम करने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, किस कॉन्सेप्ट की तैयारी करने वाले हैं, सब पहले से प्लान होना चाहिए, ठीक है। चलिए, डू नॉट टॉलरेट बैड बिहेवियर, ये सबसे बड़ा चीज है, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है तो आप क्लास से बाहर आ जाइए, उसको डांट, बैड बिहेवियर को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना है। आप बैड बिहेवियर को बर्दाश्त करने का मतलब होता है कि आप उसको परमिशन दे रहे हैं कि वो काम फिर से करो, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बाहर निकल के चले जाना है, किसी और जगह चले जाइए, बैड बिहेवियर बर्दाश्त ना करिए, क्लास से बाहर निकाल दीजिए, ये वाला काम कीजिए जो भी करना है, बट अगर कोई बहुत बुरा बिहेवियर कर रहा है तो उसको बर्दाश्त भी नहीं करना है,
ठीक है, वैसे बच्चे को डांटना नहीं चाहिए ज्यादा ज्यादा नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत बुरा बिहेवियर की ओर लेके जा रहा है तो आप उसको टॉलरेट भी ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोर्ड में यार, चलिए 15 पॉइंट्स पे क्या बोलता है, गिव स्टूडेंट चॉइस, स्टूडेंट्स विल एंजॉय लर्निंग। हाँ ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्या है सर? देखिए जब भी आप क्लास में जाते हैं ना, तो अगर बच्चों को चुनने के लिए देते हैं ना, अच्छा बच्चा बताओ आज क्या पढ़ाया जाए, ठीक है आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए हैं या फिर आज कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, तो बच्चों को अगर आप देंगे बच्चा सबको पढ़ेगा, अच्छा सर ये टॉपिक पढ़ाइए, तो वो मजे के साथ पढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपने मन से गए चलो आज ये टॉपिक निकालो, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को मूड ना हो, बहुत सारे लोग अच्छे ना पढ़ना पाए, तो वो दिक्कत। इसलिए बच्चे को अगर आप च्वाइस देते हैं तो फिर वो भी पढ़ना इंजॉय करेंगे फिर, नहीं जी। उसके बाद है रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए ये बात तो सही है, टीचर्स का स्टूडेंट के प्रति और स्टूडेंट्स का टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। अगर आप ये मिस कर रहे हैं तो फिर आपका कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट या इफेक्टिव नहीं होगा, सुनेंगे नहीं बच्चे आपकी बात, ठीक है जी। यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू ब्रेक मोनोटोनी ऑफ लेक्चर, ये बात सही है कि एक तरीके से वो पढ़ा पढ़ा के इंसान बोर हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग तरीका, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू लेक्चर लेना चाहिए। उसके बाद री इन्फोर्स लर्निंग आफ्टर टीचिंग टॉपिक, ये बात भी सही है कि भैया अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको फिर समझाइए, फिर उसको पूछिए, फिर उसको उनसे सवाल करिए और तब जाके आप आगे बढ़िए। फिर है एक्टिव लिसनिंग इज अ मस्ट हैव द इफेक्टिव, हाँ ये बात जरूरी है, एक्टिव लिसनिंग दोनों के लिए, टीचर्स या स्टूडेंट दोनों के लिए जरूरी है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनिंग जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे, ये कुछ तरीके थे जिससे क्लासरूम को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। अब आ जाइए कुछ सिद्धांत की बात कर लें। सर सिद्धांत क्या हुआ? सिद्धांत मतलब कुछ ऐसे नॉर्मल रूल्स, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो अलग अलग लोगों के लिए डिजाइन किया गया, जैसे प्रिंसिपल कुछ जो टीचर के लिए है, कुछ प्रिंसिपल जो मैसेज फॉरवर्ड कैसे करना है, मैसेज डिलीवर कैसे करना है, डिजाइन कैसे करना है उसके लिए है, कुछ प्रिंसिपल जो मेथड्स कौन से होंगे, किस मीडिया के थ्रू होगा उसके बारे में है, और कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट यानी कि आपका एक लर्निंग एनवायरमेंट कैसे अच्छा सा क्रिएट हो उसकी बात करता है। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं, चार प्रिंसिपल्स की चर्चा करनी है अलग अलग लोगों के साथ, टीचर मैसेज कैसे होगा और इंस्ट्रक्शनल मेथड कैसे, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट कैसे क्रिएट करना है इसकी बात करनी है। आइए क्या कह रहा है, कह रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन 5 मेजर फैक्टर्स, क्या, टीचर्स पे, स्टूडेंट पे, मैसेज पे, इंस्ट्रक्शनल मेथड और मीडिया पे, लर्निंग एनवायरमेंट पे। तो प्रिंसिपल इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन देखो डिस्कस किया गया, क्या क्या नीचे आ जाओ। सबसे पहला हम बात करते हैं प्रिंसिपल फॉर टीचर, क्या सिद्धांत होना चाहिए टीचर्स के लिए, ठीक है। टीचर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज, क्या क्या होना चाहिए, पहला डेवलप अ सेल्फ रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, भाई साहब और एक परसेप्शन अबाउट द सराउंडिंग। देखो हर टीचर का ना अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है, तो वो जब भी कोई टीचर किसी चीज को मतलब पढ़ा रहा होता है तो अपने स्ट्रेंथ को, अपना एक सेल्फ रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट उसको डेवलप करना चाहिए और एक अलग परसेप्शन अपने बारे में बनाना चाहिए कि सर ये टीचर जो है ना गजब का है, मजा आता है। तो ये वाला चीज आपको डेवलप करना होगा। डेवलप अ प्रोफेशनल इन द सब्जेक्ट में, हाँ ये भी बात बहुत है, अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो ना तो उसके बिहाफ में कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, कोई चीज कहीं से पूछे तो आपको फटाक से आंसर आना चाहिए। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था उसमें कि जियो ऐसे कि कल ही जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन लर्न ऐसे करो कि आप जिंदगी भर जिंदा रहने वाले हो, हमेशा जिंदा रहने वाले हो। तो भाई वेल लिव एज यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर, तो ये इन्होंने कहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसी बेस पर आपको करना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए बेसिकली, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलें, अंडरस्टैंड द लर्नर्स, बहुत बेसिक चीज है, क्या है कि आपको लर्नर को अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, है ना। सर कैसे समझेंगे, देखिए जितना ज्यादा ज्यादा आप अंडरस्टैंड लर्नर से मिलेंगे, समझेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, समझेंगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उनके बारे में, वो क्या सीखना चाहते हैं, कैसे है पढ़ाई, कैसे होती है, तो ये सारा चीज आपको
इम्पैक्ट दिलाएगा, किसके लिए सर, टीचिंग के लिए। तो इसीलिए थर्ड प्रिंसिपल क्या है, अंडरस्टैंड दी लर्नर्स। उसका फोर्थ प्रिंसिपल टीचर्स के लिए, डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करेंगे सर, आप क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से। कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से। टीचर कैन रिकॉर्ड हिज ओन ऑडियो और एनालाइज द सेम फॉर आइडेंटिफाई दी स्ट्रेंथ। देखो यार, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या पढ़ाते हो, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर लो और फिर उसको सुनो, फिर आपको वीकनेस, आपका क्या दिक्कत है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा रहा हूं, मैं पहले लेक्चर्स देखूंगा फिर आपको ये डिलीवर करूंगा, ऐसा वाला काम, ठीक है जी। कह रहा है, और आप हमेशा ओपन रहिए कि अपने कलीग से, अपने सुपीरियर से और अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेने के लिए। चलिए, नॉलेज अबाउट पेडागॉजी और एंड्रागॉजी। देखो, पेडागॉजी होता है बच्चा लोग को कैसे पढ़ाना है उसका तरीका, और एंड्रागॉजी होता है जो थोड़ा सा बड़े लोग हैं उनको कैसे पढ़ाना है उसका तरीका। तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है, दिस एनेबल टू टीचर टू प्लान, ऑर्गेनाइज, डिलीवर एंड इवेल्युएट इंस्ट्रक्शंस बेस्ड अपॉन द साउंड प्रिंसिपल टीचिंग लर्निंग एंड देयर बाय। तो ये बेसिक चीज क्या है, वही कह रहा है कि जो बच्चा लोग पढ़ता है कैसे उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, और एंड्रागॉजी यानी कि थोड़ा सा यंग लोग कैसे पढ़ाते हैं उसका नॉलेज चाहिए। एडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच, आप रिजिड ना ही हो जाइए कि भैया हम ऐसे ही पढ़ाते हैं तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, ये अप्रोच गलत है। तो आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच। क्या दिस हेल्प्स इन मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन एज पर द नीड ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाइएगा किसके हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से। स्टूडेंट अगर चाह रहा है कि भैया आप अपने इंस्ट्रक्शन का तरीका चेंज करिए तो चेंज कर दीजिए। बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, भैया हमेशा अनबायस्ड रहिए, मतलब हर स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करिए, कोई किसी मतलब प्रेफरेंस नहीं देना बेस्ड ऑन दी लड़का है, लड़की है, कास्ट है, क्रीड है, इस बेस पर आपको प्रेफरेंस नहीं देना है। ये आपके प्रिंसिपल्स हो गए टीचर्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिजाइन। तो मैसेज डिजाइन के लिए अभी मैंने बात करा है बहुत सारा चीज, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका मैसेज जो हो क्लियर हो, स्पेसिफाइड हो, यानी कि स्मार्ट हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सेसिबल, है ना, रिलेबल, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये स्मार्ट हो, कैसा होना चाहिए, ये सर, ये ध्यान में रखना चाहिए। रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपका जो पर्पस है वो कंटेंट उससे रिलेवेंट होना चाहिए। डिफरेंट तो होगा, क्या फायदा होगा, मान लो पढ़ा रहे कम्युनिकेशन और डिलीवर कर रहे हैं मार्केटिंग का, तो पॉसिबल नहीं होगा। प्रॉपरली सीक्वेंस्ड होना चाहिए, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाइए, इजी टू डिफिकल्ट में जाइए, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट में जाइए, मतलब ये सारा चीज आपको ध्यान में देना चाहिए। नोन से अननोन में जाना चाहिए, है ना। तो ये बात आपको मैसेज डिलीवर करने का तरीका है। यूज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंडेबल टू द लर्नर्स, मतलब ऐसा लैंग्वेज यूज करो जो उसको समझ में आए। टेक्निकल जार्गन, मतलब टेक्निकल वर्ड यूज ज्यादा ना करें, यूज लैंग्वेज सिंपल से सिंपल करना चाहिए। एप्रोप्रिएट सिंबल्स यूज करो जिससे वो टेक्निकली करेक्ट और स्टैंडर्डाइज हो। इंक्लूड रिलेवेंट एक्सरसाइज, कुछ कुछ एक्सरसाइज इन्वॉल्व करते रहना चाहिए जिससे क्या हो, उनकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो। मेक जेनरस यूज ऑफ एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स, भाई साहब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको डेली लाइफ, आपके वर्क लाइफ से, आपके एक्सपीरियंस बेस्ड पर देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था सर, ये रूल्स है मैसेज डिजाइन का, कैसे आपको डिलीवर करना है कंटेंट, उसके बारे में प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मेथड, कौन सा मेथड आप कैसे अडॉप्ट करेंगे उसके लिए। तो कह रहा है सिलेक्ट रिलेवेंट और एप्रोप्रिएट मेथड एंड मीडिया, जो भी मेथड और मीडिया आप ये आपको इजी लगता है, सही लगता है लर्नर्स के लिए, वो आप अडॉप्ट करिए। यूज वैरायटी ऑफ मेथड, सिर्फ एक मेथड पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, अलग अलग मेथड आपको अडॉप्ट करते रहना है। गुड क्वालिटी मीडिया होगा तभी सही होगी, अगर गुड क्वालिटी नहीं होगा तो भैया लर्नर्स को दिक्कत आ जाएगी, है ना, बैरियर्स आ जाएगा। फिर इंटीग्रेट मीडिया इन टीचिंग लर्निंग, मीडिया को इंटीग्रेट करिए, मतलब कह रहा है कि एक फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे नॉर्मल तरीके इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं और एक वीडियो बना के दिखा रहे हैं, तो दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। तो इसीलिए कभी कभी आप इंटीग्रेट करिए क्या मीडिया को, जो इंपैक्ट करेगा आपकी स्टडी में। और लास्ट है प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट, तो कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट आपको देना है, उसके लिए क्या करना है सर, बहुत ज्यादा ओवरक्राउड मत करिए, क्लासेस शुड नॉट बी ओवरक्राउडेड, क्या होना चाहिए, आप उतने को करें जितना को आप देख सकते हैं, आप एक एक को समझ सकते हैं। अब एक साथ में 500 बच्चा पढ़ रहा है कोई फायदा नहीं है, 50 बच्चा मैक्सिमम होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंश्योर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास, हाँ जी,
आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा कैसे बैठा है, हर स्टूडेंट इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं, कर पा रहा है कि नहीं, तो ये सारा फर्नीचर जो होगा वहां का कंफर्टेबल वगैरह है कि नहीं, तो ये सारा चीज आपको देखना चाहिए। बिल्ड रैपर्ट विद स्टूडेंट्स। अब देखो रैपर्ट बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हर स्टूडेंट को जानना पड़ेगा, हर स्टूडेंट को नाम से जाना पड़ेगा, उतना फ्रेंडली आपके साथ होना चाहिए स्टूडेंट को, तब क्या होगा, तब वो आपको रिस्पेक्ट और ये सारी चीज देंगे। इनकरेज कॉपरेशन एंड हेल्थी कॉम्पिटिशन अमॉन्ग स्टूडेंट। ये भी बात बिल्कुल सही है कि आप स्टूडेंट्स के बीच में कॉम्पिटिशन हल्का हेल्दी वाला, यानी कि झगड़ा वाला, फाइटिंग वाला करा नहीं, तो ये करवाइएगा। एवरेज स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स जो हैं उनके बीच में आप थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन करवाइए, तो इससे फायदा होगा। फीडबैक मैकेनिज्म रखिए, मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए, आप पढ़ा रहे हैं तो आपके आपको फीडबैक मिलना चाहिए, और अगर स्टूडेंट्स जो है कमजोर है तो उसको फीडबैक देना होगा। इनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन कहने का मतलब है नई नई तकनीक, नए नए तरीकों का इजाद करिए, स्टूडेंट्स की तरफ से भी और टीचर की तरफ से भी, क्रिएटिविटी को इनकरेज करिए, ठीक है। ये प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट मतलब है कि भैया अप्रिसिएशन, जब कोई अच्छा करता है ना, जब स्टूडेंट अच्छा करता है तो उसको थोड़ा थोड़ा प्रेज करिए, थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट करिए, तो फिर क्या होगा, वो पढ़ने में वो और सारी चीजों में आपके रिस्पेक्ट भी करेगा और आपसे आपके साथ अच्छा रहेगा और पढ़ेगा भी, वो काम भी वही करेगा। प्रोवाइड नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, हाँ भाई साहब कोई भी ऐसा पनिशमेंट, फियर, डर वाला माहौल मत क्रिएट करेगी, भाई अब तुम नहीं आया तो धोइए देंगे तुमको, है ना, ये वाला माहौल नहीं करना चाहिए। एंजाइटी किसी चीज का नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के बीच में, ये बात ध्यान रखना है। चलिए जी, तो ये क्या है सर, ये था आपके कम्युनिकेशन का, क्लासरूम कम्युनिकेशन का कुछ प्रिंसिपल जो अलग अलग चीजों पर था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तो भैया चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।